गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने है ना सारा काम फिनिश कर लिया था और ये ऑफिस चले गए थे, तो अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले अपना गैस मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मैं उठी थी 5 बजे और मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ बदलाव हमें करना होता है तो वो कैसे करें हम, तो देखिए हम गृहिणियों के लिए सबसे फ़ायदेमंद है सुबह उठना। सुबह उठने की आदत है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी होती है सुबह उठने की आदत। और जब भी है ना मैं सुबह उठती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेली मैं सुबह उठती हूँ, तो कभी कभी स्किप भी हो जाता है। तो लेकिन है ना आज मैं 5 बजे उठी थी, या कुछ भी फेस्टिवल होता है कुछ भी मुझे जल्दी उठना होता है तो मैं जल्दी उठती हूँ। लेकिन मैंने जल्दी उठने के साथ साथ में ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी हम जल्दी उठते हैं ना, एक तो हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी बनी रहती है, एनर्जी होती है, हमारी बॉडी ना एनर्जी से मतलब फुल रहती है पूरी। हम एनर्जी के साथ में जो वर्क करते हैं मतलब मज़ा आता है इसमें, कोई भी काम हो उसमें मतलब इंजॉय लेते हैं। लेकिन है ना जैसे ही हम है ना कुछ भी लेट उठते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे घर के जो काम है वो भी है ना देर से निमटते हैं, जल्दी नहीं निमटते। और साथ में है ना जो हमारी बॉडी है वो भी है ना मतलब एनर्जी नहीं रहती उसमें, ऐसा लगता है जैसे हमें ना पता नहीं मतलब बीपी लो सा मतलब अजीब सा रहता है हमारे साथ में। तो आज है ना इसी को लेकर मैं बात कर रही हूँ और कैसे अपने आप को है ना हमें मतलब कि मेंटेन रखना चाहिए, या फिर हमारी बॉडी को कैसे फुल एनर्जी के साथ में हमें वर्क करना चाहिए अपनी बॉडी को लेके। तो सबसे पहले ना हमें स्टार्टिंग में क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले अपनी आदत सुधारनी होगी। ये मेरे साथ साथ मैं आपको भी बता रही हूँ कि सबसे पहले ना सुबह उठ के है ना मैंने ये चीज़ खुद ट्राई की है। तो सबसे पहले सुबह उठ के है ना मेरे जो भी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ना मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने की, तो आज है ना कपड़े भी धुल गए। उसके बाद में किचन साफ़ कर दिए, मैं पोछा लगाऊंगी और यहाँ से इधर से मेरी किचन साफ़ हो गई है। और कुछ दिन पहले ना मेरे पैर में चोट लग गई थी, तो मैं ना मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में कि मैंने ना पाइप लगवाया था कपड़ों का, तो वहीं से मैं ना थोड़ी गिर गई थी, तो उसी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई थी। 3-4 दिन लगातार मतलब उसमें पट्टी हुई और जब जाके वो ठीक हुआ, तो इसी वजह से ना थोड़ा मैं ना व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि थोड़ा ना ये चलने फिरने का काम नहीं होता तो इसी वजह से व्लॉग नहीं बन पा रहा था। लेकिन जो भी मैंने बनाया वो चीज़ें मैंने आप लोगों से ज़रूर शेयर की है। तो देखिए मैंने फाइनल यहाँ पे देखिए क्लीन कर दिया है सारे, मैंने पोछा वगैरह कर लिया था, सारा घर क्लीन कर दिया है। अब बचा क्या है, अब बचा है मेरा रूम और मैं रूम क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले देखिए मेरा रूम है, और मैं आपको बता दूँ कि हाँ हमने बेड चेंज किया है। तो शादी का जो बेड था वो इतना मतलब देखो महंगा भी दिया था, लेकिन है ना ये होता है कि किसी चीज़ के अंदर तो नहीं मतलब कोई रहता पड़ा रहता है। यही मैं आपको बताऊंगी कि वो है ना लकड़ी में पता नहीं क्या हो गया था, तो वो लकड़ी ना एक साइड से मतलब दो साइड से ना ख़राब होने स्टार्ट हुई। तो हम मेरी शादी को भी 6-7 महीने ही हुए हैं, तो हमने उन दुकानदार से बात की और वो अच्छे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, ऐसे किसी का नाम ख़राब नहीं करना चाहिए दुकानदार का, क्योंकि उनमें किसी भी कोई भी लकड़ी ख़राब निकल सकती है, क्या पता है। तो उन्होंने चेंज भी करके दिया है हमें दूसरा बेड। और लेकिन है ना शोरूम अच्छा है, मुजफ्फरनगर है वो शोरूम, बहुत बड़ा है, अच्छा है और उसका नाम भी है, तो इसी वजह से उन्होंने बेड चेंज करके दिया है। और चेंज में हमने है ना मतलब ऐसा ही हमें है ना जैसे पहले बेड था ऐसा ही लाना था, तो हमें लेकिन वो हमने सोचा कि चलो कुछ और पसंद करते हैं, तो हमने ना पसंद में ये वाला बेड लेके आए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है। और अब है ना दिवाली आने वाली है, दिवाली की काफ़ी सफाई करनी है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछला बेड था उसके बॉक्स थे वो छोटे थे, लेकिन ये वाला बेड है ना थोड़ा सा उसके बॉक्स है ना बड़े हैं, और मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा
जानकर खुशी हुई। तब मैंने सामान लगाया ना, तब एक बॉक्स भी बच गया, इसका मतलब इतना खाली है। और पिछले वाले बेड में मैंने सामान लगाया था तो सारा का सारा भरा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि अगर एक्स्ट्रा सामान इन फ्यूचर होने लगेगा तो मैं उसको कैसे मेंटेन करूँगी बेड में, लेकिन कोई नहीं, इसका एक बॉक्स बच गया है, वो ज़्यादा काफ़ी खुशी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये बेड काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और मैं इसकी डस्टिंग कर रही थी, तो इसका ना डस्टिंग ये होता है कि जब भी है ना रूम में सफाई करते हैं तो सबसे पहले हमारी डस्टिंग होती है, और मेरा यही होता है कि सबसे पहले मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद डस्टिंग करूंगी, और उसके बाद में डस्टिंग अच्छे से हो जाती है। तो देखिए, मैं चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर दिया है। और आप है ना बताना मुझे कि अगर मैं अपने रूम को चेंज करूँ तो बेड किस साइड अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। और आप दोस्तों है ना जो भी है ना मतलब वीडियो देखता है, तो आप है ना ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि आपको क्या देखना अच्छा लगा, वीडियो में क्या अच्छा लगा है, क्या मुझे बनाना है, तो ज़रूर ये चीज़ें बताया करो यार, क्योंकि इन चीज़ों से मैं इंस्पायर होती हूँ। और देखिए, यहाँ पर इनकी शर्ट थी तो पैर में थोड़ी चोट लगी थी, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरे से चला नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे चलने में। तो देखिए, यहाँ पर मैं साइड जो टेबल है वो भी क्लीन कर दूँगी, और साइड टेबल मैंने कैसे डेकोरेट की है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले अपनी हैबिट होती है कि हमें ना क्या अच्छा लगता है, क्या मतलब, देखो मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे डेकोरेशन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर घर की बातें बताऊँ तो मुझे घर में साफ़ सफाई या फिर डेकोरेट करना या फिर चीज़ों को मतलब बदल के, मतलब जगह बदल के यूज़ करना, मतलब अलग सा कुछ यूज़ करना मुझे काफ़ी पसंद है। और उसके बाद मेरी यहाँ पर क्लीनिंग हो गई थी अच्छे से, और इस बार ना ड्रेसिंग में थोड़े से धब्बे आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर अपना कोलीन यूज़ करूँगी। तो देखिए मैंने कैसे डेकोरेट किया है, सबसे पहले तो मैं इसको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कप रखा है जिसमें मैं ना एसी का रिमोट रख देती हूँ। यहाँ पर थोड़े से स्टोन है, और ये है यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे बेबी, और ये टेडी बियर मैं यहाँ पर रखती हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पर है ना फ्लावर रखती हूँ जो नेचुरल है और मुझे काफ़ी पसंद है। पहले से ही मुझे मनी प्लांट और ये जो वाटर वाले पौधे होते हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, मैं यहाँ से भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से जो ये लैंप है। और ये लैंप है ना, किसी ने मेरे से पूछा था कि आपने कहाँ से मंगाया, तो जी हाँ, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। अगर आप है ना चाहते हो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसको भी ये लिंक चाहिए मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर हो गई थी मेरी सारी की सारी डस्टिंग। देखिए है ना, जब है ना हम बेड लेने के लिए गए थे तो वो जो बेड था सेम उसका ना मतलब लंबाई ज़्यादा थी, तो पिछले बेड की हमारी लंबाई इतनी नहीं थी, तो जो उसके गद्दे थे तो वो ख़राब हो जाते। तो इस वजह से है ना बिल्कुल सेम साइज का हमने बेड लिया है ताकि हमारे गद्दे यूज हो और ये गद्दे ना बेकार ना जाए। तो देखिए, यहाँ पर अब मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और फाइनल क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब आई बारी हमारी ड्रेसिंग की। तो ड्रेसिंग हमें ना सबसे पहले कॉलिन का यूज़ करेंगे मिरर में। और मैं आपको बता दूँ, फर्नीचर में मैं कितनी बार अपने व्लॉग में बोल चुकी हूँ ये बात कि आप फर्नीचर में कॉलिन बिल्कुल भी यूज़ मत किया करिए। अगर है ना थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, अपने कपड़े पर डायरेक्ट आप छिड़किए कॉलिन को और तब यूज कर लिए करिए। अदरवाइज़ है ना डायरेक्ट आप है ना फर्नीचर पर कॉलिन यूज़ मत करिए, क्योंकि आपके जो पॉलिश वाला फर्नीचर है वो ख़राब हो जाता है, और मैं नहीं करती तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से क्लीन करूँगी, और जो ये है ना अब की बार थोड़ा सा चेंज करूँगी दिवाली पे, और जो चेंज करूँगी वो वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं डस्टिंग हो जाएगी मेरी अच्छे से।
तो चलिए, हम किस बारे में बात कर रहे थे? तो हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है गृहिणी के लाइफ में, तो वो क्या होती है तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें क्या चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में? तो सबसे पहले ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें, है ना, कौन सा टाइम किस चीज़ को देना चाहिए। तो बहुत सारे पर्सनल काम भी होते हैं अपने करने, और तो उनको भी टाइम देना होता है। तो सबसे पहले यही होता है कि अपने घर के काम फटाफट आप निपटाइए, और जब हमारे जो पर्सनल काम होते हैं उनके लिए हमें टाइम अच्छे से मिल जाता है। क्योंकि देखिए, जब है ना शादी होती है नई नई, तो लड़की के ना बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं उसको, जो है ना ज़रूरी होते हैं, और बहुत सारे चीज़ें निकल के आती है, तो उनको टाइम हम कैसे दें? यही है कि घर पे सबसे पहले हम घर का काम फटाफट निपटाए, और जितना भी टाइम हमें फिक्स करना होगा कि इतना टाइम हमें इस काम में लगेगा, तो वो हमें उतना ही टाइम देना है, अदरवाइज़ इसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, तभी हमारी सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमें बदलाव लाना ही पड़ेगा। काफ़ी टाइम है ना, एक लड़की है, तो और सबसे लड़की क्या, पहले एक औरत ही है, जिसने, है ना, मुझे, है ना, कमेंट करा था कि दीदी, है ना, आप, है ना, इस बारे में बताइए कि आप, है ना, अपना रूटीन शेयर कीजिए कि आप कैसे कैसे काम करती हो। तो हाँ, मैं आपको बता रही हूँ मैं किस टाइप से काम करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा फिक्स रहता है कि जितना भी टाइम जिस चीज़ को देना होता है मैं उतना ही देती हूँ। मेरा फिक्स रहता है कि ये काम मुझे इतने टाइम में करना है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक्स्ट्रा टाइम किसी चीज़ को नहीं देती। और जो मेरे, है ना, टाइमिंग फिक्स रखती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ। तो ये आप, है ना, जल्द ज़रूर फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, तो तभी आपको, है ना, रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये मिरर तो मैंने कॉलिंग से अच्छे से क्लीन कर दिया था, और मिरर, है ना, कम से कम, है ना, मैं वीक में एक बार मिरर क्लीन कर देती हूँ कॉलिन से। और जो मेरे फर्नीचर होता है, मैं सिंपल अपने जो कपड़ा होता है उससे क्लीन करती हूँ, और कम से कम मैं, ना, कॉलिन यूज़ करती हूँ अपने फर्नीचर पे। तो आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिए। और मेरे सारे के सारे काम हो गए थे, पोछा लग गया था, कपड़े धुल गए थे, और खाना वगैरह बन गया था, और सिर्फ पापा जी के लिए रोटियां बननी हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मूंग मसरी की दाल बना लेती हूँ, दोपहर में मूंग मसरी की दाल बनाऊंगी। और देखिए, ये टेबल है, और इसको मैंने ड्रॉर को क्लीन कर दिया था अच्छे से, और ये, है ना, रोज़ मेरा के काम है जो हमें, ना, रोज़ करती हैं लेडीज़। लेकिन कभी कभी, है ना, डीप क्लीनिंग भी होती है, तो ये डीप क्लीनिंग मेरी चल रही थी, तब बेड मैंने चेंज किया था, तो तब से मैंने सोचा मैं कि डीप क्लीनिंग कर लूँ। लेकिन मैं घर आई थी, घर से आई थी, तो मैंने तब कर ली थी डीप क्लीनिंग, तो बस बैठ के उससे ही मैं थोड़ा सा रूम क्लीन कर रही थी। और अब मैंने उस पे, सॉरी, दिवाली पे अब, है ना, डीप क्लीनिंग होगी, अच्छे से रूम जड़ेगा, और चीज़ें मेंटेन होगी, कहाँ पे क्या करना है। और मैं आपको बता दूँ, जब दिवाली आती है तो मौसम भी चेंज होता है, और माहौल भी, मतलब, एकदम से ऐसा रहता है कि जैसे सब कुछ नया नया, नई लाइफ चल गई है। क्योंकि मुझे सर्दियाँ काफ़ी पसंद है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना सर्दियाँ किस किस को पसंद है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारा काम कर लिया था, और ये जो मेरी बेडशीट थी जो मैंने उतारी थी, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी जिस दिन कपड़े वॉश होंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना, अब मैं, ना, ये वाली बेड शीट बिछाऊंगी बेड पर। तो सारे के सारे काम कर लेते, लास्ट में मैं बेड शीट बिछा रही हूँ,
और लगभग सारे काम हो गए थे फिनिश। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्या क्या सबसे ज़्यादा चीज़ आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी लाइफ में ये चेंज ज़रूर करना तो आपको रिज़ल्ट जल्दी ही मिलेगा। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जो चीज़ मैंने आपको बताई है इस ब्लॉग में तो उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।